Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College, Barmer. So students, today we are going to study about losses in pre-stress concrete. Losses in pre-stress concrete ko samajhne se pehle आपको थोड़ा सा प्री स्ट्रेस के बेसिक में जाना पड़ेगा कि हमने इसकी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कैसे किया। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शन वाली यहाँ पर एक बीम ली है। उस बीम के अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक सिंपल टेंडन अप्लाई किया है। ओके, इस टेंडन के ऊपर, ये क्या है हमारे स्टील टेंडन्स, इन टेंडन के ऊपर मैं इनिशियली क्या फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंशनिंग का। इनिशियली टेंशन फोर्सेस आर अप्लाइड हियर, ठीक है, और जब इनको बाद में यहाँ पर कट किया जाता है, टेंशन का मतलब है यहाँ पर इनिशियली हम प्री स्ट्रेस के ऊपर टेंशन ही लगाते हैं, उसी के बेस पर हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। अगर आपकी डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़े हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर यूट्यूब कार्ड्स में दिख जाएगा। तो हमने इसके ऊपर लगाया टेंशन, और टेंशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से इसे कट कर देते हैं दोनों साइड से, ठीक है। जब दोनों साइड से हमने इसे कट कर दिया, तब ये क्या करता है, इसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में ये स्ट्रेसेस लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टील मेरा एक इलास्टिक मटेरियल है, और इलास्टिक मटेरियल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड्स और स्ट्रेसेस, इट वांट्स टू बी इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ये अपने ओरिजिनल पोजिशन में जाने की कोशिश करता है। अब ओरिजिनल पोजीशन तो इसकी ये होगी जो एरो से मैंने ब्लैक एरो से बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ जनरेट होंगे इसके पास स्ट्रेन्स, तो इन्हीं स्ट्रेन्स की वजह से मेरे पास क्या आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट इसके ऊपर जमा हुआ है। अब कंक्रीट तो क्या करेगा, इसको रोके रखने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से ही मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए, स्ट्रेन जनरेट हो गए। अब ये जो डिफॉर्मेशन की वजह से सबसे पहले मेरे पास क्या आया, डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद डिफॉर्मेशन के बाद मेरे पास क्या है, स्ट्रेन्स, ठीक है, स्ट्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि अब मैं अभी वन डायरेक्शनल यहाँ पर चेंज ही मानकर चल रहा हूँ, थ्री डी चेंज और थ्री डी स्ट्रेसेस की मैं कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेसेस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मेरे पास डिफॉर्मेशन से क्या आगे, स्ट्रेन आगे, और इन्हीं स्ट्रेन की वजह से मेरे पास स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बाय द रूल ऑफ हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तब हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है, एक टर्म आ जाती है ई, जिस ई को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस यंग्स मॉडुलस के लिए एक चीज आपको नोट करके लिखवा दूं आपको बच्चों में, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो नोट यहां पर देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 2×10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर इसको आप एमपीए यानी कि मेगा पास्कल लिख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। ओके, यानी कि स्टील का ग्रेड कोई भी हो, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2×10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एमपीए यानी कि मेगा पास्कल, मेगा यानी कि 10^6, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू थी, यानी कि मेरे पास बेसिकली ये जो डिफॉर्मेशन था, ठीक है, चेंज इन लेंथ, यही मेरे पास क्या लेकर आ रही थी अल्टीमेटली, उस प्री स्ट्रेस को, सिग्मा को यहाँ पर जनरेट कर रही थी। तो अगर किसी तरह से ये जो डिफॉर्मेशन, जिसे मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एलोंगेशन, ठीक है, इसे मैं क्या बोल दूं, एलोंगेशन, क्योंकि इनिशियली जब आप यहाँ पर टेंशन लगाने वाले हो स्टील बार के ऊपर, तो उसमें क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, और क्योंकि हम यूनिडायरेक्शनल डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, एलोंगेशन की फॉर्म में। इसलिए ये बेसिक जो एलोंगेशन था, यही मेरे पास इस प्री स्ट्रेस सिग्मा को जनरेट कर रहा है। तो मेरे पास लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कब आएंगे, जब मेरे पास हो जाएगा दिस लॉस इन एलोंगेशन, ठीक है। तो सिंपली नोट करके लिख सकते हैं,
Whenever we face loss in elongation in pre-stress concrete, there will be loss in pre-stress also. ठीक है, pre-stress force बोल दो या simple pre-stress कह दो. तो आप simply क्या लिखेंगे? If there is any loss in elongation due to any means, अभी हम means की बात नहीं करें कि किस वजह से उसमें elongation का loss हो गया. ये यहाँ पर tension की वजह से जो elongation आया था उसका किसी भी वजह से loss हो गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, कि उसी लॉस की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्री स्ट्रेस का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसी एलोंगेशन की वजह से ही प्री स्ट्रेस जनरेट हो रहा था. अगर इसी एलोंगेशन को हमने थोड़ा सा भी खो दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस जो प्री स्ट्रेस का लॉस आ जाएगा, सिग्मा का लॉस हो जाएगा. अब मैथमेटिकली समझते हैं हम, इफ यू प्रूव मैथमेटिकली ठीक है. ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया था कि यहाँ पर अगर आपने एलोंगेशन का लॉस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्री स्ट्रेस का भी लॉस आ जाएगा. लेकिन आप बच्चों यहाँ देखिए, ठीक है, टोटल लेंथ कुछ थी, उसके अंदर मैं इस बार लॉस ऑफ एलोंगेशन मान रहा हूँ डेल्टा एल. ठीक है, इसको ये वाला डेल्टा बना दीजिए, ये डेल कर दिया हमने, लॉस ऑफ एलोंगेशन इसमें माना है मैंने डेल्टा एल. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चले अगर, ओके, तो मेरा डेल्टा एल क्या था, लॉस ऑफ एलोंगेशन, राइट. अब इस डेल्टा एल के लिए मुझे वैल्यू निकालनी हो स्ट्रेन की, जिसको मैं डिनोट करूंगा यहां पर एप्सिलॉन से. बच्चों एक सजेशन है आपका, अगर आप कोई इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल एसएससी जेई का मेन्स, एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम करवाती है. तो उसका जो मेंस का पेपर होता है वो रिटन पेपर होता है. तो उसके लिए मेरा सजेशन है, उसमें आप क्या करें, अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन को वहीं डिफाइन कर दें, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर दें, कोई एब्रीवेशन यूज करें, डेल्टा एल, एप्सिलॉन, सिग्मा. आप ये मानकर बिल्कुल ना चले कि सामने वाले को आता है वो तो समझ ही जाएगा. भाई साहब जो कॉपी चेक कर रहा है उसे तो ऑलरेडी पता है, इसलिए आप ये मानकर तो बिल्कुल ना करें. आपको कॉपी इस हिसाब से भरनी है अपनी कि सामने वाले को जीरो मानते हुए, कि उसे कुछ नहीं आता, कोई ऐसा बंदा पढ़े जिसने पहले कभी उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा और हमारा आंसर देखकर वो समझ जाए. ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में आंसर वैसे ही लिखने हैं. तो स्ट्रेन मैंने लिख दिया यहाँ पर एप्सिलॉन. स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों अगर मीटर में रहते हैं तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो मेरा स्ट्रेन एक कैसी क्वांटिटी रह जाता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. ठीक है, स्ट्रेन इज माय डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब उसके बाद मैं स्टडी करता हूं हुक्स लॉ की. तो हुक्स लॉ बताओ बच्चों क्या कहता है, कि स्ट्रेस is directly proportional to strain. ठीक है, stress is directly proportional to strain. जब ये proportionality का sign मैं यहाँ पर हटाऊंगा तो मेरे पास stress क्या आ जाएगा, strain multiply by Young's modulus of elasticity, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले explain किया था, जिसकी value 2 × 10⁵ newton per mm square और mega pascal रह जाती है. तो ये strain की जगह इस बार मेरे को क्या रखना है, delta L upon L. ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई से डिनोट करते हैं. ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे प्रॉपर लिखना है, जैसे यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था अभी, तो आपको ऐसे लिखना है वेयर ई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस तरह से आपको डिफाइन करना है. तो क्योंकि ये लॉस ऑफ एलोंगेशन है, तो लॉस ऑफ एलोंगेशन की वजह से मेरे पास लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आएगा, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर डेल्टा सिग्मा से. तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बच्चों क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला मेरे पास ये बन जाएगा, और नाउ दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस. तो इससे बेसिकली हमने समझा, जहां भी आपको लॉस ऑफ एलोंगेशन दिख जाएगा उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस दिख जाएगा. ठीक है,
और ये चीज आपको नोट करके बता दूं, दिस अकर्स इन बोथ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट। सो यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन मार्क ए स्पेशल नोट हेयर, अकर्स इन बोथ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट। ओके, कि प्री टेंशन में भी आपने ऑब्जर्व किया इसको और पोस्ट टेंशन में भी ऑब्जर्व किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्री में आएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके लिए एक बार एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन देर इज लॉस ऑफ एलोंगेशन, देर इज लॉस ऑफ एलोंगेशन ऑफ 2 mm इन ए 30 meter लॉन्ग स्टील टेंडन। ठीक है, आई होप सो आपको मेरी राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी समझ आ रही होगी, थोड़ी मैसी हो गई है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन देर इज लॉस ऑफ एलोंगेशन ऑफ 2 mm इन 30 mm लॉन्ग टेंडन। ठीक है, इफ इनिशियल प्री स्ट्रेस अप्लाइड, so here initial pre-stress applied is let us assume 1000 newton per mm square, okay, so calculate, so giving you to calculate percentage loss of pre-stress। ठीक है, तो बच्चों आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कुछ चीज को, अभी तक मैंने प्री स्ट्रेस के टाइप ऑफ लॉसेस आपको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बेसिक बताया था, ठीक है, जो हमने बेसिक किया था ना, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो गिवन डेटा इज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 mm, लेंथ इज इक्वल टू 30 meter which is equivalent to 30 into 1000 mm, okay, 1 meter में 1000 आपके mm रहते हैं यहाँ पर, यानी कि मिलीमीटर रहते हैं, और इनिशियल प्री स्ट्रेस अप्लाइड यानी कि सिग्मा नॉट है जो मेरे पास, वो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन पर mm square, क्योंकि यहाँ पर मेरे को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, याद रखना सारे के सारे डायमेंशन है जो सिमिलर होने चाहिए, ताकि बाद में हमें जो न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस क्वेश्चन में अगेन आपको बता दूं, हमने देखा हमने टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसेस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, और उस क्वेश्चन के अंदर ये डिटेल दे रखी है। सिंपल जो हमने हुक्स लॉ के ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, बाय द हुक्स लॉ हमने जो फॉर्मूला लास्ट में ड्राइव किया था, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको सोल्व करके देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 mm अपॉन ने 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, mm को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा वो, उसके बाद 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर मैं mm यहाँ पर लिखता भी तो वो क्या हो जाता, सिंपली कैंसल आउट हो जाता, कि इवन डायमेंशन जो यूनिट्स हम लगाते हैं वो भी एक दूसरे से कट होती हैं, तो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाती है स्ट्रेन की। यहाँ पर देखिए फाइनल जो मेरे पास डायमेंशन आते हैं क्या आते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि एक स्ट्रेस की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर चेंज इन जो स्ट्रेस है वो भी क्या आता, स्ट्रेस के डायमेंशन मतलब डायमेंशन स्टेबिलिटी आ जाती है। डायमेंशन जरूर वेरीफाई होते हैं अगर हमने क्वेश्चन एकदम सही किया है, अगर वहां पर आपके डायमेंशन की स्टेबिलिटी नहीं है, वो करेक्ट नहीं आ रहे, तो मतलब आपने 100% क्वेश्चन गलत किया है। ओके बच्चों, इसे सोल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 40, तो 40 मल्टीप्लाई किया ऊपर तो क्या आ गया 4,
इंटू 10 डिवाइड बाय 3, यानी कि 40 डिवाइड बाय 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास आ गया। ठीक है, अगर आपको इसमें लिखना है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके, 12.66। ठीक है, या फिर 12.66। आई थिंक मैंने गलत कर दिया है, 12 3 36, सॉरी ये वैल्यू नहीं आएगी इसकी, आ जाएगी 13.33। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ये काम होता है जल्दबाजी में अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जनरली हम गलत कर देते हैं। एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस जरूर देखें। ठीक है, तो हमारे पास लोस्ट ऑफ जो प्री स्ट्रेस फाइनल वैल्यू आने वाली है 13.33 आने वाली है, इसे आप अगेन चेक जरूर करें। जैसे मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ी गलती कर दी, 12.66 बना दिया, इसको रफ आउट कर रहा था मैं 12 3 36 करके, लेकिन फाइनल वैल्यू क्या आती है, 13.33 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। ओके, तो ये तो था चेंज इन स्ट्रेस, लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, लोस ऑफ प्री स्ट्रेस इन परसेंटेज। तो किसी भी चीज का परसेंटेज देखिए कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसे रखना पड़ेगा ऊपर, तो 13.33 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रखा जाएगा नीचे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इनिशियल प्री स्ट्रेस की, और बाय द क्वेश्चन इनिशियल प्री स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और जब भी परसेंट निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बाय कैलकुलेटर अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरूरत नहीं है वैसे बाय कैलकुलेटर सोल्व करने की। ठीक है, ये 20 से 20 यहाँ पर कट हो गए और फाइनल जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 1.333% मेरे पास परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन परसेंटेज, यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया। अब हम देखें कि ये प्री स्ट्रेस के लॉसेस किस किस रीजन की वजह से आ सकते हैं, तो उन रीजन की वजह से लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस को दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वेट अ मिनट, ये देखिए। ओके, एक जो मेरे लॉस है वो तो है बच्चों टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। ठीक है, एंड सेकेंड लॉस आर माई इमीडिएट लॉसेस। नाम लिखेंगे हम इनके, ठीक है, टोटल 6 लॉसेस होते हैं हमारे पास। टोटल कितने होते हैं पहले से बता देता हूँ कि 6 लॉसेस हैं, टोटल 6 इन नंबर, बोथ इन प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन किसी में भी हो सकते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम हमारे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम की स्टडी करते हैं। तो नाम देखिए मेरे पास कैसे आ सकते हैं, प्री स्ट्रेस मटेरियल हमने लिया। ओके, वेट ए मिनट, ये मेरी बीम थी, इस बीम के अंदर मैंने ये लगा दिया मेरा टेंडन। ठीक है, इस टेंडन के ऊपर जो लगने वाला मेरा प्री स्ट्रेस था इस दोनों इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर इसकी वजह से कहीं लॉस इन एलोंगेशन हो जाता, ये जो टोटल लेंथ थी उसकी वजह से कहीं भी थोड़ा सा लॉस ऑफ एलोंगेशन हो गया, वही मेरा लॉस इन प्री स्ट्रेस कर देता है। अब लॉस इन एलोंगेशन देखिए बच्चों किस किस वजह से हो सकता है, एक तो क्या होगा कि मेरा ये कंक्रीट है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बना रखा है, ये मेरा क्या है, कंक्रीट। अगर कंक्रीट के अंदर एक आपने नाम सुना होगा स्ट्रेस का जिसका नाम होता है
क्रीप, एक फिनोमिना का नाम सुना होगा, क्रीप। तो क्रीप क्या होता है कि अगर किसी चीज के ऊपर आप सस्टेन लोडिंग रखते हो, यानी कि मान लो किसी ब्लॉक के ऊपर आपने 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रखा है, तो उस 10 किलो न्यूटन के लोड के कारण टाइम के साथ उसके अंदर स्ट्रेन्स जनरेट होने लग जाएंगे एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो क्रीप आर टाइम डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट दी कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दैट लोड। ठीक है, तो क्रीप की वजह से हमारे पास यहाँ क्या आएगा, ये जो स्ट्रेसेस इसके ऊपर जनरेट हो रहे थे, तो इन स्ट्रेसेस क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, धीरे धीरे स्ट्रेन ये बढ़ाएंगे उनकी स्ट्रेन की वजह से, फिर इंटरनल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट जनरेट होगा हमारे पास। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट जनरेट होंगे, ये श्रिंक होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टील टेंडन है, टेंडन के अंदर एलोंगेशन का लॉस आएगा, एलोंगेशन का लॉस आएगा, उसकी वजह से स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन की वजह से फिर लॉस इन स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले मेरे लॉस की बात करूं तो फर्स्ट लॉस मेरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कॉन्क्रीट। ठीक है, सेकंड लॉस देखूं मैं तो सेकंड टाइम क्या है हमारे पास कि कंक्रीट है, कंक्रीट जैसे जैसे हार्डन होता है ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ दैट जेल वाटर, ठीक है, जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था पोर्स के अंदर, उसके इवेपोरेशन की वजह से इसके ओवरऑल वॉल्यूम का रिडक्शन होता है। अब ओवरऑल वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाएगा तो यहां पर जो मेरा लॉस ऑफ एलोंगेशन भी होगा, ठीक है, लॉस ऑफ एलोंगेशन होगा अगेन स्ट्रेन लॉस, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस का लॉस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, तो सेकंड जो लॉस होने लग जाएंगे मेरे किसकी वजह से हो जाएंगे, ड्यू टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। क्योंकि श्रिंकेज भी इमीडिएट नहीं होता, इसलिए ये भी कौन से स्ट्रेसेस के अंडर में आता है, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंडर में आता है। ठीक है, और क्रीप आपको पता है एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, अगर जिसने क्रीप पढ़ा हो, 6 सेमेस्टर के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको क्रीप का मतलब अब तक पता ही होगा, और नहीं पता तो हमारे आने वाले लेक्चर में हम जो क्रीप की वजह से लॉस है उसमें डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये भी टाइम डिपेंडेंट है, श्रिंकेज भी टाइम के साथ आता है, तो ये दोनों स्ट्रेसेस किसके अंदर आ जाते हैं, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंदर भी आ जाते हैं दोनों के दोनों लॉसेस। थर्ड लॉस की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो स्टील लगा हुआ है मेरा, ठीक है, आप किसी चीज को खींच के रखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रबर को खींच के रखते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, पार्टिकल के अरेंजमेंट के कारण धीरे धीरे वो वहां से रिलीज होने लग जाते हैं, रिलैक्स होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्टील भी मेरा कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल, टाइम के साथ लेकिन ये क्या होने लग जाता है, रिलैक्स होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने स्ट्रेस लगा रखे थे उसके साथ मेरा ये स्टील है रिलैक्स होने लग गया, रिलैक्स हुआ तो इसमें लॉस ऑफ एलोंगेशन मुझे यहाँ पर मिला। तो थर्ड जो लॉस आ जाएगा वो किसकी वजह से आ जाएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन्स। ओके, तो फर्स्ट लॉस वाज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कॉन्क्रीट, सेकेंड वाज लॉस ऑफ श्रिंकेज, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट, एंड थर्ड वन इज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट लॉसेस ओनली। इसे अभी आप इसमें डिफाइन मत करना कि ये हमारे प्री टेंशन के अंदर है या फिर पोस्ट टेंशन के अंदर है। फोर्थ लॉस की बात करूं मैं, ठीक है, वो इमीडिएट लॉस के अंदर आ जाएंगे। तो फोर्थ लॉस एक चीज बताइए मुझे, ये मेरा कंक्रीट था, ठीक है, कंक्रीट की अगर किसी ऊपर आपने लोड लगाया, किसी भी चीज के ऊपर लोड लगाया, लोड लगाने से उसके ऊपर क्या आएंगे, डिफॉर्मेशन आएंगे। ठीक है, लोड लगाने से क्या आएंगे, डिफॉर्मेशन। तो जब यहाँ पर ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहे थे, प्री स्ट्रेस जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से कंक्रीट में क्या होगी, इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी, तो इमीडिएट इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से लॉस ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्टील टेंडन भी हो सकता है, राइट। तो फोर्थ जो लॉस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। फिफ्थ लॉस की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इमीडिएट कराना है। मान लीजिए आप एंकर था आपके पास, अगर आपने मेरे मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पढ़े हो तो उसमें हम क्या करते थे, इस टेंडन को, मान लीजिए मेरे हाथ में जो पेन है इसे हम क्या मान लेते, टेंडन,
टेंडन को ऐसे दो एंकरेज के बीच में बांध के ऐसे टाइट ऐसे स्क्रू कर देते थे, ठीक है, एंकर प्लेट के साथ में टाइट करके स्क्रू कर देते थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से जब आप स्क्रू करने जा रहे थे, बांधने जा रहे थे, इसकी एंकरेज स्लिप हो गई। तो स्लिपिंग की वजह से, एंकरेज स्लिप होने की वजह से लॉस ऑफ एलोंगेशन होगा, उसी वजह से मेरा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आ जाएगा। तो फिफ्थ लॉस जो मैं लिखूंगा कौन सा आ जाएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ठीक है। एंड सिक्स्थ हो जाएगा मेरा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का देखिए कैसे हो जाएगा, आपने पोस्ट टेंशन के अंदर पढ़े, पोस्ट टेंशन प्री प्री टेंशन में टेंडन लगे होते थे। यहाँ पर इस डायग्राम से समझाता हूँ, टेंडन लगे हुए हैं, तो टेंडन के ऊपर का ये जो मटेरियल है, लेट अस चूज सम डिफरेंट कलर, इसके साथ में फ्रिक्शन शो करेगा, ठीक है। जब हम इसको खींच रहे होंगे तब ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को शो करेगा, और इसी फ्रिक्शन की वजह से इमीडिएट जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे किसी चीज के ऊपर लोड लगाते हो तो फ्रिक्शन वैसे आता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मटेरियल पड़ा है मेरे हाथ की सरफेस पर, तो जैसे मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, अब ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो लोड है इस सरफेस के साथ लगने वाले जो स्ट्रेसेस हैं, जिसको मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस बोलता हूँ, उसके इक्वल है, ठीक है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। जैसे मेरे लोड इस फ्रिक्शन से ज्यादा होते हैं तभी ये मूव कर पाता है। तो हर चीज के ऊपर अगर कोई सरफेस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सरफेस की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, फ्रिक्शन, और ये हाथों हाथ जनरेट होते हैं जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्री टेंशनिंग फोर्सेस लगा रहे हैं। तो इसलिए ये भी किसके अंडर कैटेगरी में आ जाता है, अंडर द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट लॉसेस। तो ड्यू टू फ्रिक्शन भी वहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एलोंगेशन आपको मिलेगा, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस वहां पर आपको एनकाउंटर होगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, और इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल भी करके देख लिया। अब हमारे आने वाले लेक्चर में हम इन सारे स्ट्रेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इन स्ट्रेसेस के बारे में डिटेल कंसेप्चुअल पढ़ने के बाद, इनके जो भी फॉर्मूलेस वगैरह हैं डिराइव करने के बाद, हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर में, इनके प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।